प्रणाम। आज मैं आप सभी को साइनस के विषय में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साइनस एक बहुत कॉमन सी अभी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप देखते हैं जल्दी लोगों में क्या होता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है या ये एक प्रकार की एलर्जी भी है और जिससे ये विकृति उत्पन्न होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सर्वप्रथम मैं थोड़े से प्राणायाम के माध्यम से आज इसको बताता हूँ और ये पार्ट वन है। फिर पार्ट टू में आपको धीरे धीरे कुछ एडवांस चीज़ें भी बताएंगे जो फिर, और पार्ट थ्री आदि में मैं आपको षटकर्म के विषय में भी बताऊंगा इसमें कि साइनस को कैसे आप जल नीति, रबड़ नीति आदि के अभ्यास से, सूत्र नीति के अभ्यास से आप उन्हें अच्छा कर सकते हैं। तो आज जो पहला ये पार्ट वन है इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साइनस को हम प्राणायाम के माध्यम से कैसे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें एनर्जी होगी वो फिर एलर्जी के संक्रमण से वो कभी भी उसका किसी भी प्रकार का कोई विकृति उनके ऊपर नहीं उत्पन्न होती है। तो आप में जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप एलर्जी से बच सकेंगे। तो ये एक इफेक्टिव अभ्यास रहेगा। सर्वप्रथम इसमें कमर गर्दन को हम सीधी करेंगे, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करेंगे, सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे आप, बिना रुके हुए बाहर करिए, आंखें बंद हो मुंह बंद, मन को शांत और सहज करते हुए कंटिन्यू ब्रीथिंग करेंगे। 5-5 सेकंड में आप श्वास को भरेंगे और ऐसे 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे। जितनी डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। जब भी श्वास को भरेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का प्रयास करिए। डायफ्राग्रामिक ब्रीथिंग करते हुए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। तो ये श्वास संबंधित रोगों में भी बहुत अच्छा रहेगा और ये साइनस में भी बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जितनी ब्रीथिंग करेंगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा। और जैसे सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाएँ हैं, आप प्राणायाम को करते हुए अगर बहुत बोर हो रहे हैं तो सूक्ष्म व्यायाम की कुछ क्रियाओं में इस प्रकार से आप अपने थम्स को और इंडेक्स फिंगर को रखेंगे और इनको इस प्रकार से ये नाक के ऊपर के पार्ट पर यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे इस प्रकार से ऐसे प्रेस करिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाइए। इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और लगभग जितने भी अभ्यास हम माउथ योग जो भी करते हैं तो वो सभी अभ्यास उसके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। तो इसको आप ज़रूर करने का प्रयास करिए। भस्त्रिका की सामान्य स्थिति आप शुरू में करिए धीरे धीरे, फिर मैं पार्ट टू में, पार्ट थ्री में आपको धीरे धीरे इसकी मध्यम और तीव्र स्थिति आप भी बताऊंगा। लंबी गहरी सांस को केवल 5 सेकंड में आप भर लें और 5 सेकंड में धीरे धीरे उसे छोड़ दें। एक मार्श गेरेंड ने जो बताया है उसको भी जरूर करिए, क्योंकि जनरली आप देखते हैं साइनस में ये भी समस्या होने लगती है लोगों को कि एक स्वर बंद हो जाता है, इड़ा या पिंगला कोई सा भी एक स्वर। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को ओपन कर सकते हैं आप इसके अभ्यास से। कैसे, दाहिने स्वर को पहले हम प्रेस करते हैं, बाएँ से केवल श्वास को भरते हैं और बाएँ से ही बाहर करते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये इड़ा है दायां स्वर, ये पिंगला। अब सूर्य नाड़ी भी इसे बोलते हैं और चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। दायां स्वर को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, बाएं को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो सूर्य नाड़ी को आप पहले प्रेस करेंगे, फिर बाएं से ही श्वास को भरेंगे, चंद्र नाड़ी से श्वास को भरिए और चंद्र से ही श्वास को बाहर करेंगे पिंगला से। ऐसे 5-5 सेकंड में भरिए, 5 सेकंड में छोड़ेंगे। इस अभ्यास को ऐसे 20 बार कम से कम आप करने का प्रयास करिए। 20 चक्र इस अभ्यास का करेंगे, 20 बार आप श्वास को भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे बाहर करिए। फिर मध्यमा और अनामिका उंगली को आप दबाते हैं। अब दाएं से आप श्वास को भरेंगे और दाएं से बाहर कर लेंगे ऐसे। ऐसे 3-5 सेकंड में जितनी दीर्घ श्वास ले सकते हैं इसको लेने का प्रयास करिए, बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। और ये धीरे धीरे आप एक एक स्वर को ओपन करिए, ये कम से कम 3-5 मिनट प्रत्येक दिन आप करने का प्रयास करिए। फिर धीरे धीरे आप अधिकता जितने अभ्यास को अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति अपनी गति का चयन करें और इसको जितना आप कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। भस्त्रिका प्राणायाम आपको विशेष ध्यान में रखना, मैं अंत में फिर इसको दोहरा देता हूँ कि 3-5 मिनट केवल कर लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम, ये अच्छा रहेगा। और ये जो अभी आपने भस्त्रिका प्राणायाम महर्षि गेरंड के अनुसार जो अभी मैंने आपको बताया, इस प्राणायाम को जब आप करेंगे इस प्रकार से स्वर को प्रेस करके, तो आपको ध्यान में रखना है 20 चक्र आप बाएं स्वर से पहले करेंगे फिर दाहिने स्वर से 20 चक्र से अभ्यास को दोहरा लेंगे, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। इस बार आप इस सभी वीडियो को अधिक से अधिक देखें और फिर मैं पार्ट टू में अब आपको जो आगे बताऊंगा, तो पार्ट टू में मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसके भी अभ्यास, भस्त्रिका को आप कैसे मध्यम और तीव्र स्थिति में कर सकते हैं इसके विषय में भी बताएंगे। फिर साइनस को आप कैसे और भी जो एडवांस थेरेपीज हैं षटकर्म की क्रियाओं में, जल नीति, रबड़ नीति इसके माध्यम से, सूत्र नीति के माध्यम से आप कैसे अच्छा कर सकते हो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप सभी इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।